दिल्ली से शादी का झांसा देकर युवती को लाया धार जिला। 3 माह के पश्चात युवती ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला की समाप्त। मामला इंदौर संभाग के धार जिले का है, जहां एक किराए के मकान में युवती द्वारा फांसी लगाए जाने का मामला सामने आया है। घटनाक्रम के पश्चात पीथमपुर थाना पुलिस ने प्रक्रिया का पालन करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाया है और घटनाक्रम में आगे की जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल यह पूरा मामला रीवा एवं प्रयागराज जिले से भी जुड़ा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रंजना मांझी, उम्र 24 वर्ष, जो प्रयागराज के खीरी थाना क्षेत्र अंतर्गत लेड़ियारी की रहने वाली है, जो कि दिल्ली स्थित अपने बहन के यहाँ गई हुई थी। वहीं रंजना का ननिहाल रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत डीह में है। इस दौरान उसका संपर्क डीह गांव के रहने वाले पुष्पराज मांझी, उम्र 25 वर्ष से हुआ था, जिसके द्वारा दिल्ली से शादी का झांसा देते हुए युवती को जनवरी में धार जिले के सेक्टर नंबर 3 पीथमपुर में लेकर आया और वहीं किराए के कमरे में रह रहा था। परंतु 3 महीने के पश्चात 11 मई को युवती के द्वारा फांसी लगाए जाने की जानकारी परिवार जनों को हुआ है। रंजना की माता के द्वारा यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि लड़के के पिता द्वारा जून में शादी करवाए जाने के आश्वासन पर पूर्व में FIR दर्ज नहीं करवाया गया था। युवती द्वारा उठाए गए कदम पर आरोप लगाया गया है कि यह घटनाक्रम हत्या है और उसे प्रताड़ित किया गया है, जिस पर कड़ी कार्यवाही की मांग करी है। घटनाक्रम में पीथमपुर पुलिस द्वारा जानकारी देते हुए बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर एवं परिजनों के कथन के पश्चात नियम अनुसार कार्यवाही पूर्ण किया जाएगा। आपका पार्वती निषाद। कहाँ के रहने वाली हैं आप? लेड़ियारी। लेड़ियारी प्रयागराज? हाँ, प्रयाग। कौन सा लगता है आपका? खीरी। खीरी थाना। खीरी। क्या घटनाक्रम आपके बच्ची के साथ हुआ है? मेरे बच्ची के पास लेके गए वहाँ दिल्ली से, जट फुसला के लड़का लेके गया, उसके साथ बोला कि मैं शादी करूँगा, वो भी राजी हुई थी दोनों। फिर उनके बाप से बात हुई तो बोले कि दोनों को शादी करा देंगे। इसके लिए मैं कंप्लेन नहीं लिखाई कि चलो रिश्तेदारी का बात है, नहीं रिपोर्ट डाली। फिर बोला कि मैं जून में शादी करा देंगे। उसके बाद फिर पहले ही दुर्घटना हो गया, उसको मार डाले। ये जान कब घटनाक्रम की जानकारी कब हुई, कब आपकी बच्ची का? मेरे बच्चे का जानकारी हुई है 11 तारीख को। कहाँ, कैसे, क्या हुआ? वहाँ से पुलिस वाले फ़ोन किए थे, बोले तुम्हारे बच्ची का वो फांसी लगा ली अपने से, मर गई है, देखना है तो आ जाओ, हम लोग यहाँ पर बुला रहे हैं। तो हम बोले कि मैं कैसे आऊँगी, तो बोले कि जैसा हो वैसा आके अपने बच्ची को देखो। लड़का का क्या नाम है? लड़का का पुष्पराज नाम है, उनके पिता का राजकुमार मांझी। कहाँ के रहने वाले हैं ये? डी कराने वाले हैं। मतलब फांसी लगा के बच्ची आपकी खत्म हो गई है? हाँ, मेरे नहीं, फांसी लगा के नहीं, मरी है। उसको ऐसा लगता था गुटकी दवा के मार डाले, मारा हुआ लगता था, पूरा पीठ में, हाथ में पूरा चोट हुआ था उसको। मारने पीटने के बाद फांसी, ऐसा हत्या हुआ का आत्महत्या हुआ है? नहीं, वो हत्या कर दिए वो लोग। अच्छा, पुलिस अभी आत्महत्या बता रही, लेकिन आपका मानना है कि हत्या हुआ है? हाँ, हत्या हुआ है उसका। वो बोल रहे हैं कि उसको आत्महत्या की है, अपने से फांसी लगा के मर गई है। तो उस वाले से कुछ आप लोगों ने बताया इसके विषय में, घटनाक्रम के विषय में? नहीं, मैं पूछ रही थी बार बार, तो बोला कि वो तो उसका आदमी तो गया था ड्यूटी, वो अकेली थी, लगा ली फांसी। उसका बाप बोला कि 10 बजे का फांसी लगाया हुआ है, मगर वहाँ के पुलिस वाले बोले कि रात का ही मर गई है। दिल्ली में किसके साथ रह रही थी? वो अपने बहन के साथ रहती थी। तो लड़का का संपर्क कैसे हुआ वहाँ? लड़का काम करता था क्या लड़का? नहीं, लड़का यहाँ ननिहाल के यहाँ से संपर्क हुआ था उसका, डीह में उसका अगल अपने मामा के यहाँ रहती थी, मामा के बगल में उसका घर है, वहीं से उसका संपर्क हुआ था। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि उसको कार्रवाई होना चाहिए, उसके लड़के का, उसके बाप का, माँ का।
आपसे कुछ बात हुई थी बीच में कि नहीं हुई थी? गाली गुप्ता दे रहे थे। एक बार मैं बात की थी उसके पिता से तो बोले कि बहन लगती थी वैसा गांव के रिश्ते से, तो बोले कि तुम परेशान मत हो, मैं शादी कर लेंगे, कोई वैसा जगह में नहीं गई है कि कोई गलत जगह में गई है, अपना रिश्ता है फिर भी अपने जात वाले में है, इसके लिए मैं नहीं कुछ भी करी। शादी का डेट फिक्स हुआ था? फिक्स नहीं हुआ था, बोला जून में मैं शादी करूँगा। जून में? हाँ। तो जून शादी मतलब जून में बोल रहे थे और मई में घटना हो गई। हाँ।